हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम आज का ये अपना वीडियो। तो ये हमारा वीडियो है GS टेस्ट पेपर 39 और पहला क्वेश्चन है द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इन टू स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वॉज क्वाइंड बाई। जो तीनों एज हैं, स्टोन है, ब्रॉन्ज है, आयरन है, कोपेनहेगन म्यूजियम में रखे गए हैं, तो आपको बताना है कि वो क्वाइंड बाई यानी किसने उसकी थ्योरी दी थी। तो इसका सही आंसर है ए थॉम्सन। थॉम्सन ने इसको क्वाइन किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एसोसिएटेड विद द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया, यानी कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, जो विकलांगजन हैं, उनसे जुड़े कौन कौन से स्कीमें आपको बताना है। सुगम्य भारत अभियान पहला है, दूसरा है स्वावलंबन योजना, और तीसरा है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों ही योजनाएं पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग जन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ रिक्वायर्स कंजर्वेशन ऑफ इट्स, यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं, जो मतलब ख़त्म होने के कगार पर आने वाली होती हैं, तो उनको बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो उसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उनकी पॉपुलेशन भी, उनकी जनसंख्या, उनका नीश, नीश मतलब होता है फाउंडेशन, यानी कि जो उनके बेस होता है जहाँ से मतलब वो आते हैं वो, और तीसरा हैबिटेट जिस तरह के कि वातावरण में वो रहते हैं, तीनों बचाना ही बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट आपको बताने हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है दयानंद सरस्वती वॉज ओरिजिनली बॉर्न एज मूल शंकर इन अ ब्राह्मिन फैमिली ऑफ गुजरात, यानी कि जो दयानंद सरस्वती हैं उनका रियल नाम है मूल शंकर और एक ब्राह्मण फैमिली गुजरात में जन्म लिए थे। दूसरा है ही इस्टेब्लिश्ड अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट नोन एज आर्य समाज इन 1875 एट बॉम्बे, यानी कि कहने का मतलब कि दयानंद सरस्वती है, उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरा है टू प्रीच हिज आइडियाज़ ही पब्लिश्ड सत्यार्थ प्रकाश इन 1875 इन हिंदी, यानी कि उनके विचारों को लोग माने समझें इसके लिए उन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये कब लिखा था? 1875 में, और वो भी हिंदी में। चौथा स्टेटमेंट है द आर्य समाज वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया अगेंस्ट कास्ट ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि जो इनकी आर्य समाज थी ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपने तरफ खींचने में, उस मूवमेंट में, उस एक मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए थी, जो कि कास्ट ऑर्थोडॉक्सी यानी कि जो जातियों से जुड़े लोगों के विचार थे उसको ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा मददगार थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। माफ़ कीजिएगा, ये एक सेकंड, हाँ अगला क्वेश्चन है महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा प्रिंसली स्टेट इज इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century वॉज एक्टिविटीज़, मैनी ऑफ हिज एक्टिविटीज़ कंसिडर द फॉलोइंग, जैसे वाइज और पेट्रियाटिक थे और उनकी एक्टिविटीज़ है, बताना कौन से उनके एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो पहला है हिज एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूड अ बैन ऑफ चाइल्ड मैरिज, लीगलाइजेशन ऑफ डाइवोर्स, रिमूवल ऑफ अनटचबिलिटी एंड स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत, यानी कि जो उनका एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म था वो चाइल्ड मैरिज यानी कि जो बाल विवाह होता है उसको बंद करना था, उससे डाइवोर्स को लीगलाइज करना था, ठीक है, और तीसरा था अनटचबिलिटी यानी छुआछूत को दूर करना, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अपने शिक्षा का प्रचार करना, और डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत, संस्कृत का
डेवलपमेंट करना, उसको आगे बढ़ाना। दूसरा स्टेटमेंट, द पर्सन ही पैट्रोनाइज्ड लेटर केम टू प्ले ह्यूज रोल इन इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स। द लिस्ट इंक्लूड्स बाबा साहेब अम्बेडकर, श्री अरबिंदो घोष एंड दादा भाई नारोजी। कहने का मतलब जो ये राजा थे शिवाजी राव गायकवाड़, इनके विचारों से जुड़े ये लोग थे, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। ये पहले इंडियन रूलर थे जो कि 1906 में इन्होंने कंपलसरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट इन इंडिया, इन मॉडर्न इंडिया, स्टार्टेड सून आफ्टर 1857। इट अर्लियर रूट्स आर ट्रैक टू दी सिल्क एक्टिविज्म इन पॉपुलर एंड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट इन द लेट 19th century वॉज। कहने का मतलब कि जो जो गौ रक्षक दल चल रहा है अभी हाल ही मॉडर्न इंडिया में, तो ये एक पहले सिल्क प्रोटेक्शन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है जो कि 1980 में मूवमेंट चलाता है और ये लेट 19th century में भी रहा है। तो इनसे कौन जुड़े हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। इससे स्वामी दयानंद सरस्वती जुड़े थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द अफ्रीकन लायन एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज शेड्यूल टू टेक प्लेस इन मार्च अप्रैल 2020। यानी जो अफ्रीकन लायन मिलिट्री एक्सरसाइज था ये मार्च अप्रैल में जो 2020 में शेड्यूल थे कहाँ होने वाला था आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों जगह पे होने वाले थे। ये एक एनुअल, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, यानी ये हर साल होती हैं। दिस ईयर, इस साल ये कैंसिल हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस, जो हाल ही में आपने कोरोना वायरस देख सुना है फैला हुआ है, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग दे रखा है, आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्टली मैच है, सही है, सुमेल कौन सा है। पहला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24। दूसरा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 to 30। और तीसरा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह आर्टिकल 226। तो इसका सही आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये आर्टिकल 32 में मौजूद है, ना कि 226 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, देखते हैं उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, देखते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनकी मौजूदगी उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, यानी जितने हैं उन पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे है, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, यानी कि दूसरा कोई उनकी जगह पे वोट नहीं कर सकता उनके रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा है, द यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ पीपल थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि जो हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा है, लोकसभा में इनकी यूनियन टेरिटरीज की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उनकी मौजूदगी है, वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने जाने पे होती है। तो आपको बताने में दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ, यानी कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, कौन सा इनमें से सही आपको बताना है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO मेजर बोथ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। यानी जो CSO है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और GDP दोनों ही CSO ही मेजर करता है। दूसरा है, फ्रॉम जनवरी 2015 GDP एट मार्केट प्राइस
इज़ दी हेडलाइन जीडीपी इन इंडिया, यानी कि 2015 के बाद से जो जीडीपी है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होने लगी। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो CSO है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर आती है। इंडिया में इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिकल स्टैंडर्ड, इंडिया में यानी कि हिंदुस्तान में जो भी स्टैटिकल से स्टैट से जुड़ी डेटा हैं वह कलेक्ट करने का या उनको मेंटेन करने का ये काम CSO ही करता है। 2015 में ही ये चेंज हुआ था, यानी कि हम GDP फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आए थे। और IIP है, जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इज़ एन इंडेक्स विच डिटेल्स आउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के ग्रोथ को, यानी कि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उनको ये दर्शाता है। कौन सा? IIP। ये कैलकुलेट कौन करता है? तो CSO। उसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको अपने लास्ट वीडियो यानी कि GS टेस्ट पेपर 38 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो GS 38 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 वाज हेल्ड इन नवंबर 2019 इन न्यू दिल्ली टू पोजीशन इंडिया एज, यानी कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था 2019 में न्यू दिल्ली में, वो आपको बताना था कि ये क्यों हुआ था, इससे इंडिया को क्या मतलब दिखाना था। तो इसका सही आंसर है बी, द फूड प्रोसेसिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का फूड प्रोसेसिंग डेस्टिनेशन बन के निकला है, ये दिखाना इसका मेन उद्देश्य था। आइए हम इसी के साथ आज का यानी कि GS टेस्ट पेपर 39 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट वन ऑफ द पार्टीज स्टेट टू रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट, यानी कि बताना है इनमें से कौन से राज्य रवि जो नदी है और ब्यास नदी है, इन दोनों के मतलब बीच के लड़ाइयों में शामिल नहीं, यानी कि किन दो राज्यों के बीच में लड़ाई चल रही है आपको बताना है कौन इसमें शामिल है और कौन नहीं है। तो ऑप्शन है ए जम्मू एंड कश्मीर, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।